हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ सीजी फाउंडेशन में। आज हम बात करने वाले कि बोर्ड एग्जाम में कॉपीज कैसे चेक होती है। आई हैव बीन एग्जामिनर इन बोर्ड एग्जाम में, मेरी भी ड्यूटी आई थी, मैंने भी कॉपीज चेक की है, तो मुझे पता है कि किस तरह से कॉपीज चेक होती है। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है ताकि आपके मार्क्स ना कटे। कई बार क्या होता है कि बच्चों को नॉलेज होती है बट वो कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। और हमारा मेन जो टारगेट होता है ना यहाँ पे, एग्जामिनर को खुश करना होता है, उसको खुश। अगर उसका माइंड सेट है, अगर मतलब उसका मूड सेट रखना है तुमने, अगर उसका मूड सही है तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे होंगे। अगर तुमने क्या, अब देखो मान लो एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये एक आपके पास ये शीट है, एक तो ये शीट आपने बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट की हुई है, एग्जामिनर खुश होगा, वो अच्छे से इसको चेक करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक आप शीट को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आप कटिंग कर रहे हो, आप गैप नहीं ले रहे हो, प्रॉपर सेक्शन नहीं लिख रहे हो, वहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब एग्जाम में मेरी ड्यूटी रही है उस चीज का फायदा उठाते हैं, कुछ ऐसे प्रो टिप्स देता हूं आपको जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं, क्लियर? तो अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है और कैसे लिखे टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। देखो सबसे पहला काम मैंने आपको बोला था, एग्जामिनर को खुश करना। आपको अब खुश करना ये नहीं कि 500 रुपए अपने नोट पे चिपका के भेज दो आप कॉपी पर, वो खुश हो जाएगा। नहीं, खुश मतलब कि आपको इस तरह से अपनी शीट को प्रेजेंट करना है। देखो एग्जामिनर, अगर मैं अपनी बात भी करूं, क्योंकि क्या होता है उनको ना कुछ कॉपीज मिली होती है, 20-30 दिन की मिली होती है, उनको चेक करनी होती है और फिर चेक करके उनको पेमेंट मिलती है। भाई उनको ये होता है कि फटाफट जल्दी से जल्दी हम अपना काम करें और एक टाइम टू टाइम घर जाए। अगर मान लो वो चेक नहीं हो पाती उस दिन में, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और वो चेक करके जानी होती है। और उस बीच में अगर आपका ऐसा पेपर आ जाए कि आपने बिल्कुल पेपर में ऐसी तैसी कर रखी है, आपने अच्छे से उसको प्रेजेंट ही नहीं कर रखा, उसको क्वेश्चन को ढूंढना पड़ रहा है, आंसर को ढूंढना पड़ रहा है, उसका मूड स्पॉयल हो गया और वो आपके नंबर काट लेगा। मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपकी जो प्रेजेंटेशन हो, जो आपका स्टार्ट हो, तो आपका जो स्टार्ट है, स्टार्ट मतलब किसी ने बोला कि गुड स्टार्ट इज हाफ डन। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर खुश हो देख के, वो आपको मार्क्स दे सके। सेकंड थिंग, अगर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग है एंड आंसर क्लोज इन अ रेक्टेंगल। यहां पर एक प्रैक्टिकल केस बताता हूं कि दो स्टूडेंट है, इसके भी 80 मार्क्स बन रहे हैं, इसके भी 80 मार्क्स बन रहे हैं। जो 0 और 80 मार्क्स, या तो 0 मार्क्स पे बिल्कुल एनालिसिस होता है या 80 मार्क्स पे बिल्कुल एनालिसिस होता है। अब देखो स्टेप वाइज मार्किंग है, पहली बात तो ये, अगर स्टेप वाइज मार्किंग है तो आपको कुछ ना कुछ तो लिख के ही आना है, कोई फॉर्मूला है, कोई पॉइंट है, ताकि आपको मार्क्स तो मिले ही, क्योंकि उस स्टेप के कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिलेगा, छोड़ के नहीं आना, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग ये, मान लिया एक क्वेश्चन आपको रूट निकालना है, रूट ऑफ द इक्वेशन। अब आपको ये क्वेश्चन पूरा आता है, 4 मार्क्स का है, आपने ये क्वेश्चन पूरा कर दिया, बट जो इसका आंसर है वो आपने लिखा नहीं। मान लिया आंसर में लिखना था आपको कि रूट्स है वो x इज इक्वल टू -1, 2, 3। अब स्टेप वाइज मार्किंग में इसका हाफ मार्क्स था, एक बच्चा है उसने भी पूरा किया हुआ है, दूसरे ने भी पूरा किया हुआ, बट दूसरे ने ये लास्ट में आंसर लिख के क्लोज किया हुआ, इसको 4 नंबर मिलेंगे, इसको 3.5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो जो आपका आंसर है वो एग्जामिनर को आपको दिखाना है, भाई दिस इज द आंसर, ताकि आपका मार्क्स ना कट सके, ये बात ध्यान रखना, क्लियर? तो ये चीज हो चुकी है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जब मैं चेक कर रहा था नोटबुक कॉपीज बोर्ड एग्जाम की, तो वहां पर दो स्टूडेंट का केस हुआ था, वही केस मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। नेक्स्ट है कट मिस्टेक बाय लाइन। अब आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम करते करते यहां पे एक मिस्टेक होगी, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको मिस्टेक को इस तरह से गुजर पुड़े कर देंगे, इससे एग्जामिनर पे बैड इंप्रेशन जाता है। अगर मान लो बाय चांस मिस्टेक हो भी गई है, तो यार उसको प्रॉपर वे में एक लाइन से कट कर दो, अपनी शीट को मत खराब करो, जितनी शीट खराब होगी उतना बैड इंप्रेशन जाएगा, उतना ही बैड मूड होगा एग्जामिनर का और मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक लाइन से कट कर दो, प्रॉपर
पूरी लाइन कट हुई है इस तरह से लाइन कट कर दो, या दो तीन, मान लिया दो तीन लाइन लिख लिया आपने तो उनको इस तरह से एक लंबी लाइन से कट कर दो। ये नहीं है कि उसको सारा इस तरह से करके शीट खराब कर दी, ऐसे आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ गैप ऑफ वन लाइन। मान लिया पहला क्वेश्चन लिख लिया आपने, अब दूसरा क्वेश्चन एक लाइन छोड़ो और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो। गैप होना चाहिए क्वेश्चन के बीच में ताकि अच्छा लगे, एग्जामिनर खुश रहे इस तरह से, है ना। एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसको जो फिनिश हो गया एक लाइन का गैप दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया। प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। स्टार्ट शुड बी नीट एंड क्लीन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। और मान लिया देखो एग्जामिनर के पास क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है उसको 25-30 कॉपी मिलती है मान लो एक दिन की, और उसको चेक करके जानी है। अब मान लो वो चेक नहीं कर पाया तो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। क्या होता है भाई, उसको ये होता है कि मैं फटाफट चेक करके अपने घर जाऊं टाइम से, तो उसका मूड ऑलरेडी खराब होता है जब वो 20-22 चेक कर लेगा, ऑलरेडी खराब है। मान लो 23वें नंबर पे आपकी कॉपी आ गई, उसका मूड ऑलरेडी खराब है, ऊपर से आपकी प्रेजेंटेशन खराब है और मूड खराब हो गया, तो नंबर कटेंगे कटेंगे। तो आपका जो स्टार्टिंग हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। मान लो आप सेक्शन ए कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया पहला क्वेश्चन, बढ़िया बिल्कुल ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, एग्जामिनर के मन में एक अच्छी इमेज बन चुकी है। ठीक है भाई, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। तो चौथे में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक आ भी गई तो वो इग्नोर करेगा और नंबर दे देगा। और अगर आपने प्रेजेंटेशन ऐसे की हुई है, पहला गलत दूसरा भी गलत तीसरा भी, चौथे में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी ना वो सोचेगा छोड़ना यार ये भी गलत है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन जो आपकी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए स्टार्टिंग की। ठीक है, एग्जामिनर इस तरह से खिलखिलाता होना चाहिए तभी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू डोंट नो आंसर लेफ्ट गैप और राइट प्रॉपर सेक्शन। मान लो आपको आंसर नहीं पता है तो दो चीजें हैं, या तो आप गैप छोड़ दो या आप प्रॉपर सेक्शन लिखो। गैप जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको थर्ड वाला नहीं आता तो थर्ड वाले का या तो आप गैप छोड़ दो, टेंथ में हो चुके तीन चार लाइनें हैं जिस तरह भी आपको लगे, या तो गैप छोड़ दो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट कर दो, एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि एग्जामिनर तंग ना हो, बीइंग अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट प्रॉपर सेक्शन। प्रॉपर सेक्शन कैसे, जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन एक है और वो आपको नहीं आया, तो जब आप पीछे करोगे सारा पेपर करने के बाद पीछे करोगे तो वहां पर आप लिखोगे कि सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको प्रॉपर दिखना चाहिए, जहां उसको ढूंढना पड़ गया वहां उसके नंबर कटेंगे, उसको ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर, आगे चले भी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है डू फर्स्ट व्हाट यू नो इन प्रॉपर वे, डोंट वेस्ट टाइम। जो आपको आता है सबसे पहले वो करो, टाइम वेस्ट ना करो। मतलब आप क्या करो, पेपर में एक तरह से गो थ्रू हो जाओ। एक बार जब पहला राउंड होता है ना पेपर का, पूरे पेपर में से गो थ्रू हो जाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फोर्थ नहीं आता, टाइम वेस्ट नहीं करना, बाद में देखेंगे, फिफ्थ पे चलते हैं, सिक्स्थ है, सेवन नहीं आता, एट पे चलते हैं। एक बार पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाओ, जो आता है उसकी उसकी कमांड लो, उसके मार्क्स लो, जो नहीं आ रहा उस पर अभी टाइम वेस्ट मत करो, एक राउंड पूरा निकाल लो, जो जो आते हैं वो कर दो, जो नहीं आ रहा उसको बाद में देखते हैं राउंड कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अच्छा ये बातें मैं बता चुका हूं प्रॉपरली, एक वीडियो बना रखी है उसका लिंक दूंगा आपको। और रफ वर्क की बात करें, वर्क की बात करें, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब रफ वर्क की बात करें तो कुछ टीचर बोलते हैं कि आप लास्ट में रफ वर्क करो, लास्ट में जब आपके एग्जाम आप कर रहे हो जहां पर लास्ट में एक सीट ले लो वहां पर रफ वर्क करो। भाई नहीं, बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो फिर सीट चेंज कर रहे हो फिर पीछे जा रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया एक साइड में प्रॉपर एक लाइन लगाओ और उस लाइन पे आप यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हो प्रॉपर वे में। क्लियर, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ साइड में लाइन लगा के यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो। क्लियर, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 80 मार्क्स अबाउट। जो 0 और 80 मार्क्स होता है ना, जब 0 मार्क्स आते हैं ना तब भी बड़ा एनालिसिस होता है, एग्जामिनर सोचते हैं यार इसके 0 आ कैसे गए या इसने कुछ नहीं करा। और जब 80 आ जाए तो भी कॉपी 2-3 बार चेक होती है, 80 मार्क्स वाक्य में इसके आ रहे हैं या हम 80 दे रहे हैं। कॉपीज 2-3 बार चेक होती है जब 80 मार्क्स की बात हो, तो
तो मैंने जैसे आपको स्टेप बताया, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको प्रॉपरली आंसर भी लिखने पड़ेंगे रेक्टेंगल में, जो आंसर आया वो लास्ट में लिखना पड़ेगा। ये तरीका है फुल मार्क्स लेने का। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।